पाउंटा साहिब में नगर परिषद उपचुनाव में फिर से भाजपा का कब्जा हो गया है। इस चुनाव में वार्ड नंबर 13 से पार्षद सीमा चौधरी को अध्यक्षा और वार्ड नंबर 4 से पार्षद राजेंद्र सिंह मान को उपाध्यक्ष चुना गया है। एसडीएम पाउंटा व चुनाव प्रभारी एलआर वर्मा की अध्यक्षता में चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न किया गया। चुनाव प्रक्रिया के लिए बुलाई गई बैठक में जहां भाजपा समर्थित 8 पार्षद और कांग्रेस समर्थित 4 पार्षदों ने भाग लिया, वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 6 की पार्षद भावना चानना अनुपस्थित रही। बैठक में कुछ देर चर्चा के बाद विपक्षी पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और चुनाव प्रक्रिया छोड़कर बाहर आ गए। इस दौरान पार्षदों ने कहा कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी। वो दो लोग जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो दाग उनके धुले नहीं है, आज भी दाग उनके ऊपर है। विजिलेंस इंक्वायरी होती, उसमें जांच बिठाई जाती, निसंदेह अगर उनकी जांच हो जाते, साबित हो जाते दाग, तो उनको FIR हो जाती, और अगर वो साबित नहीं होते तो वो भी कोई बुरे नहीं थे, वो दोबारा भी आके हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन सकते थे। आज की जो प्रक्रिया की थी कोई खास आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि BJP की सरकार है तो सरकार ही हारी थी। जब भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे थे तो उस दिन सरकार हारी थी, हम नहीं हारे थे, और आज भी सरकार जीत रही है क्योंकि उनके पास बल का प्रयोग है, धन का प्रयोग है, और सर पूरी सत्ता का उनके पास उपयोग वो कर रहे हैं। सरकार उनकी है, इसलिए हमारा तो पहले भी हम अल्पमत में थे, आज भी अल्पमत में थे, तो चुनाव लड़ने का तो कोई औचित्य ही नहीं था, इसलिए हम इसका बहिष्कार करके आज बाहर आए हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और आज भी वहीं खड़े हैं, और अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक इसका कोई इंसाफ नहीं हो जाता। स्वच्छ और ईमानदार हमें चेयरमैन चाहिए, ना कि जो भ्रष्टाचार, ये दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ये वक्त है, इसमें जो राजनीति है इसमें कोई स्थायी शत्रु या कोई मित्र नहीं होता। कभी सुखराम जी को हमारी फोन की घंटी बड़ी अच्छी लगती थी, आज हमारा फोन जाते हुए शायद भी बहुत तन जाती है। ये जो नगर परिषद में पिछले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे जो भ्रष्टाचार के मामले में सीधे ही पकड़े गए, आज वो भी बड़ी भौंह चढ़ा चढ़ा के आ रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ही जो है निर्दोष हैं। ऐसी प्रक्रिया का मैं, जो ये बैठे हैं लोग, इनका बहिष्कार करता हूं, और आइंदा भी मैं जनता से भी निवेदन करूंगा कि इनका बहिष्कार जारी रखें, क्योंकि नगर परिषद को इन्होंने लूट के खा लिया है। नगर परिषद की आज ये हालत हो गई है कि 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सफाई व्यवस्था पर खर्च हो रहा है, और सफाई व्यवस्था पहले जो 30-35 लाख लगते थे, आज उससे भी कम हो गई है। आज जो इसकी स्थिति नगर परिषद की है उसके लिए ये अंदर बैठे लोग जिम्मेदार हैं, और ये अपने बदतमीजियां करके जो एक उचित आवाज़ है, जो सच की आवाज़ है, उसको दबाना चाहते हैं, तो मैं इसका पूर्णतः बहिष्कार करके मैं वापस आ गया। SDM व चुनाव प्रभारी LR वर्मा ने बताया कि तय सीमा पर दोनों पदों के लिए एक एक ही नामांकन आया है, जिसके बाद अध्यक्षा सीमा चौधरी को और उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मान को निर्वाचित किया गया है। पद पूरा नहीं हुआ तो आप 20 तारीख के बाद आज 22 तारीख को मौका दिया गया था। आज 12 पार्षद शुरुआत में प्रेजेंट हुए थे, उसके बाद कुछ पार्षद अपना चुनाव का कार्य जो है कार्यक्रम छोड़ के चले गए। नॉमिनेशन प्रधान पद के लिए केवल एक हुआ है, और निर्धारित 1 घंटे तक कोई भी दूसरा नॉमिनेशन नहीं आया। उसके पश्चात प्रधान पद के लिए श्रीमती सीमा देवी को निर्वाचित घोषित किया गया, उसके पश्चात उप प्रधान पद के लिए श्री राजेंद्र सिंह का नाम सामने आया, और उनका भी 1 घंटे तक निर्धारित समय के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नॉमिनेशन करने नहीं आया, उसके पश्चात उन्हें भी निर्वाचित घोषित किया गया।